हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कमर सर में। दोस्तों, बाहर कहने की बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नई वैकेंसीज आई है, ठीक है। तो जानते हो डिटेल्स में क्या दिया गया है? ओके दोस्तों, इसका एड्रेस नंबर क्या है? 01/2019R3, ठीक है। और ये वैकेंसी किस पद के लिए? आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है इसके लिए। एक ग्रुप सी की पोस्ट है मुंबई में, ठीक है। मुंबई तारापुर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता में, ठीक है दोस्तों। पहली वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी? 47 इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके लिए आपको एजुकेशन क्या चाहिए? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट विद ग्रेजुएट, ठीक है। एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल क्या है इसमें? मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइप राइटिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। इसके लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा? इससे लेवल 1 होगी, इसमें रहेगा इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल 2 में क्या रहेगा? आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन डिस्क्रिप्टिव राइट एंड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें दिया गया है कि एज क्राइटेरिया क्या चाहिए? इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 30 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया होंगे रहना चाहिए, ओके। इसके लिए आपका पे कितना रहेगा? 25,500 रुपये आपका पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए क्या है? नंबर ऑफ पोस्ट है 13, ठीक है। इसके लिए आपका एजुकेशन क्या चाहिए? मेट्रिकुलेशन और एक मतलब 12th होना चाहिए, प्लस आपका 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके लिए भी आपका लेवल टेस्ट लेवल सेम ही है, ठीक है। सिर्फ लेवल 2 में आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट रहेगा, ओके। इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या चाहिए? एज क्राइटेरिया चाहिए 18 से 30 के बीच में, ओके। फिर आपके कास्ट के मुताबिक लागू होगा कुछ रिलैक्सेशन, ठीक है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? इसका पे कितना आएगा? 25,500 आपका पे रहेगा, ओके। इसके लिए एग्जाम फी कितनी है? ठीक है, अपर डिवीजन के लिए भी 100 रुपये और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी 100 रुपये, ओके। और एक्सेमिशन कितनी? इसके लिए ST/ST वुमेन कैंडिडेट, ठीक है, और एक्सेमिशन और फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए एक्सेमिशन उनको नहीं भरनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, ओके। ये यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन दिया गया है, लाएंगे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं, ओके। आपको अप्लाई कैसे करना है? ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और लास्ट डेट कितनी? 25/2/2019 तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कैंडिडेट भी आपको विजिट कहाँ करना है? recruit.bharat.government.in, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको नोटिफिकेशन काम का लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही काम के वीडियो फ्यूचर में आने वाले हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।